हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में आम, लीची तथा सेब की अच्छी पैदावार के लिए उद्यान विभाग के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग प्रोजेक्ट के तहत इस 3 दिवसीय कार्यशाला में जिला हमीरपुर बिलासपुर के उद्यान विभागीय अधिकारियों को इस नए प्रोजेक्ट के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला लगाई गई है। कार्यशाला के प्रथम दिन जिला हमीरपुर तथा बिलासपुर के उद्यान विभाग के करीबन 35 अधिकारियों ने भाग लिया। 2 दिनों इस प्रशिक्षण में न्यूजीलैंड सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर एडवर्ड सूटो पूरे प्रदेश में इस प्रकार कार्यशाला आम, लीची तथा सेब के पौधों की अच्छी पैदावार को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के अंतिम दिन अधिकारी बागवानी विभाग बडियाना में आम के पौधे प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। The Himachal Pradesh Horticulture Development Project has contacted our organization from New Zealand, Plant and Food Research, as a consultant to deliver the new techniques and improve practices to apply in mango, lychee and guava. Then I got already a trip 3 months ago in which I assessed the different locations of the Himachal Pradesh state to grow the different tree crops. And now in this second trip, that will be for the next 3 weeks, we'll be training the agronomists and technical staff, specialists, from the Department of Horticulture, working with a project to be prepared to test the packages of practices that we will develop for mango, lychee, and guava, and then we will test them in trials, in locations that we will agree. And then after the package of practice has been tested and that have been proved, they can be delivered to the farmers or the दूसरी ओर इस बारे में उद्यान विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉक्टर आर के धीमान ने बताया कि जिला हमीरपुर में 3 दिवसीय इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में आम, लीची तथा सेब के पौधों की अच्छी पैदावार को लेकर हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग की ओर से प्रोजेक्ट के तहत विभागीय अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में हमीरपुर तथा जिला बिलासपुर के उद्यान विभाग के 35 अधिकारी भाग ले रहे हैं। जिला हमीरपुर में ये 3 दिवसीय जो है ये ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जिसमें जिला हमीरपुर और बिलासपुर के जितने भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर लेवल के हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक ये ट्रेनिंग जो है वो हमारे जो डॉक्टर एडवर्डो सूटो करके हैं, ये सीनियर साइंटिस्ट हैं ट्रॉपिकल एग्रोनॉमी न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट रिसर्च के, वो कंसल्टेंट हैं HP अपना हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के। ये 3 दिन की जो है यहाँ ट्रेनिंग देने आए हैं, तो ये 7 तारीख से जो है आज हमारी ये ट्रेनिंग शुरू हुई है और 1 दिन का जो है वो इन्होंने रखा है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट में जो है ये हमारे को थोड़ा सा जो मैंगो की कल्टिवेशन है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट्स हैं, उसमें जो है ये थोड़ा ट्रेनिंग जो है मैंगो की उसमें दे रहे हैं, जिसमें ये कल्टिवेशन कैसे करनी है और इसके जो प्रोपोगेशन है वो कैसे होनी है, इसकी जो इसके साथ में क्या इसके न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या इसको कैसे हम लोग प्लांट का जो ऑर्चर्ड है उसको कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके बारे में ये थोड़ा सा जानकारी हमारे को और उसकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में ये जो है हमारे को ये जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे जो जिला के जो है सब उद्यान विकास अधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और हमारे बिलासपुर जिला के जो है ऑफिसर्स हैं, वो आगे जाकर के फिर जो ये ट्रेनिंग लेते हैं वो जाकर के फील्ड में जो है अपना जो भी ये सीखेंगे वो आगे बताएंगे।